मर्ज सेल्स। मर्ज सेल का मतलब दो या दो से अधिक सेल्स को सिलेक्ट करके जोड़ना, मतलब एक कंबाइंड सेल बनाना। जैसे मैंने यहाँ पर चार सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और मर्ज सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, तो मर्ज पर क्लिक करते ही देखिए चारों सेल मिलकर एक कॉमन सेल बन चुकी हैं। जिस तरह भी सिलेक्ट करेंगे, चाहे रो में या कॉलम में, मर्ज करने पर वो सभी सेल्स जुड़कर एक कॉमन सेल बन जाएंगी। अब मैं एक नई रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ। जैसे हेडिंग के ऊपर एक नई रो चाहिए, तो मैंने पहली रो को सिलेक्ट किया और इंसर्ट अबो, तो ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी से लेकर संस्कृत तक, मैं इन सभी सेल्स को एक कॉमन सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो सिलेक्ट किया और मर्ज सेल, तो ये सभी सेल मिलकर एक सेल हो गई है। अभी मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे ही सीरियल नंबर के ऊपर एक सेल, ब्लैंक सेल पड़ा हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इन दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट किया और मर्ज। ऐसे ही इन दोनों को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल्स। ऐसे ही सबसे लास्ट में टोटल मार्क्स और उसके ऊपर वाले सेल्स को सेलेक्ट की सेल को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल। ठीक है, तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।